9 नवंबर 1961 दोपहर का समय था। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी एक बड़ी तैयारी के साथ हवाई अड्डे पर मौजूद थे। उस दिन अमेरिका में कोई बड़ा मेहमान आने वाला था, बेहद खास मेहमान जो एक देश का राष्ट्राध्यक्ष था। नाम था जवाहरलाल नेहरू। फ्लाइट को आने में देरी हो रही थी। पता चला कि फ्लाइट को पहुंचने में अभी 2 घंटे लग सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के निजी सचिव ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें कार्यालय लौट जाना चाहिए, हम कुछ देर बाद आ जाएंगे। तब जॉन एफ कैनेडी ने जवाब दिया, मैं मिस्टर नेहरू को पहली बार देखने का चांस मिस नहीं करना चाहता। मैं उस महान शख्सियत को जहाज से उतरते हुए देखना चाहता हूं और इसके लिए मैं घंटों उनका इंतजार करना पसंद करूंगा। आज भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है, उस महानायक की जयंती है जिसने जंग आजादी में जिंदगी के 10 साल जेल में बिता दिए। वो नेहरू जिसने गुलाम भारत में पहली बार तिरंगा फहराया, तो रावी की बहती धारा भी पूर्ण स्वराज के मांग की गवाह बनी। आप इस तस्वीर के जरिए कालजयी शख्सियत की महान कद का अंदाजा लगाइए। ये तस्वीर 1946 में सिंगापुर की है, जब पंडित नेहरू न प्रधानमंत्री थे न ही कांग्रेस अध्यक्ष। तब एलआईडी फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर माउंट बेटन वर्दी पहने उन्हें रिसीव करने खुद एयरपोर्ट आए थे। खास बात यह है कि नेहरू उनकी जीप में बैठकर आजाद हिंद मेमोरियल गए, उस सेना के मेमोरियल पर जो माउंट बेटन की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ी थी। नेहरू के कौन कौन से किस्से आपको सुनाए। वो कूटनीतिज्ञ नेहरू जिन्होंने संविधान में संशोधन करके द्रविड़ राष्ट्र की मांग को बिना किसी हिंसा के खत्म कर दिया था, या वो नेहरू जिसके गुट निरपेक्ष सिद्धांत ने दुनिया को मध्यम वर्ग मार्ग का मॉडल दिया, एक खोखली अर्थव्यवस्था को पंचवर्षीय योजना देने वाले ने हिंदुस्तान की खुली आंखों को IIT, IIM और एम्स जैसी संस्थाएं देने वाले नेहरू, भाखरा नांगल डैम देने वाले नेहरू, या फिर वो नेहरू जिनके बनाए इसरो ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भारत का झंडा बुलंद किया। उस एक नेतृत्व ने भारत को वो सारे संसाधन दिए जिसकी बुनियाद पर मुकम्मल हिंदुस्तान की तस्वीर दिख रही है। नेहरू वो उम्मीद के समंदर है जिनकी सरपरस्ती में ये देश आजाद हुआ, यहाँ की नस्लें आबाद हुई, पीढ़ियां खुशहाल हुई। हम, आप, ये पूरा देश इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी निभा रहा है, बराबरी, समानता और संपन्नता का अनुभव कर रहा है। तो इसके बैकग्राउंड में वो नेहरू है जिन्होंने आजादी, बंटवारा, युद्ध के बावजूद भारत की तस्वीर को न सिर्फ सवारा बल्कि उसे और खूबसूरत भी बनाया। आज नेहरू जी की जयंती है। 125 करोड़ कृतज्ञ भारतवासियों की ओर से उस महान शख्सियत को मेरा नमन है।